मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 8 फरवरी को बजट पेश करेंगे। गहलोत सरकार का ये आखिरी बजट है। सत्ता में वापसी के लिए माना जा रहा है कई बड़ी घोषणाएं हो सकती है। राजस्थान बजट 2022 में अशोक गहलोत ने खेती किसानी पर बड़े ऐलान किए थे। इस बार युवाओं पर केंद्रित बजट रहेगा। सरकारी जॉब की हो सकती है घोषणा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हाल ही में कर्मचारी संगठनों के नेताओं से मुलाकात की थी। ऐसा माना जा रहा है कि इस साल मुख्यमंत्री अपने बजट में युवा और रोजगार पर सबसे ज्यादा केंद्रित रहेंगे। इसके अलावा कर्मचारी संगठनों की मांगों पर भी विचार हो सकता है। ये भी माना जा रहा है कि 1 लाख के करीब नई नौकरियों की घोषणाएं हो सकती हैं। राष्ट्रीय बैंकों का कर्ज माफ। राजस्थान विधानसभा चुनाव 2018 के समय राहुल गांधी ने किसानों के कर्ज माफी का वादा किया था। राजस्थान सरकार के मुताबिक वो अब तक कोऑपरेटिव बैंकों का कर्ज माफ कर चुकी है। अब संभावना जताई जा रही है कि चुनावी साल में किसान वोटर को लुभाने के लिए राष्ट्रीय बैंकों के कर्ज माफ करने पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। नए जिलों की घोषणा। मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक इस बार के बजट में नए जिलों और संभागों से जुड़ी मुख्यमंत्री बड़ी घोषणा कर सकते हैं। कुछ सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री 7 नए जिले और 3 नए संभागों की घोषणा कर सकते हैं। वर्तमान में बाड़मेर का बोलतरा, जोधपुर का फलोदी, अजमेर का ब्यावर, नागौर का डीडवाना, जयपुर का कोटपुतली और अलवर का भिवाड़ी जिला बनने की रेस में सबसे आगे है।